चंडीगढ़ के ट्रिब्यून चौक से एक व्यक्ति का शव मिला है। आपको बता दें कि व्यक्ति के पास से 16 लाख रुपए और 10 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि इस वक्त चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है कि चंडीगढ़ के ट्रिब्यून चौक से एक व्यक्ति का शव मिला है। बताया जा रहा है कि व्यक्ति के पास से 16 लाख रुपए और 10 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मनोज राठी। जी मनोज, आपसे जानना चाहेंगे कि चंडीगढ़ के ट्रिब्यून चौक से एक व्यक्ति का शव मिला है, तो क्या ताजा जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल दीवी का बताना चाहूंगा कि थोड़ी देर पहले ही ट्रिब्यून चौक पर जो है एक व्यक्ति का शव मिला है। एक राहगीर ने जो है इसकी सूचना पुलिस को दी और फौरन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो इसकी शिनाख्त गई, तो इसके पास से जो है 16 लाख रुपए कैश और 10 मोबाइल जो है वो मिले हैं। हालांकि इसकी जो है इसको पुलिस ने जो है यहाँ पर सरकारी अस्पताल के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किन कारणों से जो है इसका मर्डर हुआ है या इसको ये खुद जो है इसकी मरा है। हालांकि इसके निशान जो है अभी तक कोई भी जो है शरीर पर कोई निशान अभी नहीं देखा गया है, लेकिन जिस तरह से जो पुलिस ने जानकारी दी है कि इसको पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये कहाँ का व्यक्ति था और ये कहाँ से जो है कहाँ आ रहा था। शक जताया जा रहा है कि किसी सट्टे में जो है ये इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से 10 मोबाइल मिलना और 16 लाख रुपए कैश जो है वो मिलना एक बड़ी बात यहाँ पर है। और ट्रिब्यून चौक जो चंडीगढ़ का एक बीच का एरिया है, यहाँ पर काफी जो है दिन रात जो है आवाजाही ट्रैफिक भी रहती है, तो चंडीगढ़ पुलिस भी जो है इसकी छानबीन करने में जुट गई है। हालांकि अभी तक उसका पता नहीं चल पाया कि आखिर जो शव की है शिनाख्त नहीं हो पाई आखिर ये कहाँ का रहने वाला है। पुलिस ने जो है मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है आखिर ये कहाँ का व्यक्ति और इतने पैसे इसके पास कहाँ से आए और आखिर इसकी मरने की जो है वजह क्या रही। जी जी मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो आपको बता दें कि चंडीगढ़ के ट्रिब्यून चौक से एक व्यक्ति का शव मिला है। बताया जा रहा है कि व्यक्ति के पास से 16 लाख रुपए और 10 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। फिलहाल चंडीगढ़ पुलिस मामले की तफ्तीश तक जाने की कोशिश कर रही है और व्यक्ति की पहचान में जुटी हुई है। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।